हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। क्या हम धन्यवादी हैं इस नए दिन के लिए, इस अवसर के लिए, परमेश्वर के लिए? क्या हम धन्यवादी हैं उस अनुग्रह के लिए जो हमने ग्रहण किया है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी? पता है, धन्यवाद सहित जीवन जब हम जीते हैं, ये बहुत बड़ी कुंजी है हमारी प्रसन्नता और हमारे आनंद का कारण ये बन जाता है जब हम हर विषय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और हम जब फिलिपियों की पुस्तक पर थे, पौलुस बार बार इस आनंद के बारे में हमें सिखाता था, धन्यवाद के बारे में हमें सिखाता था। क्यों ना आज हम पांचवें अध्याय के 13वें पद से आरंभ करें। गलातियों 5वां अध्याय और 13वां पद, यहां लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो मैंने पिछली शिक्षा में कहा, आज हम सीखेंगे कि इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। सही मायने में हम स्वतंत्र हैं, पर क्या हम सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ हमें करना है? वचन के अनुसार अगर मैं इस स्वतंत्र शब्द को परिभाषित करूं, इसका अर्थ है ऐसा जीवन जो मुझे भाए वो ना करके, वरन जैसा मुझे करना चाहिए उन बातों को करना। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? जो कुछ मुझे भाए, जो कुछ मेरी चाह है, उसको ना करते हुए जैसा मुझे करना है, जैसा मुझे जीना है, उस जीवन शैली पर चलना, इसको स्वतंत्रता बोलते हैं। मैं इसको और कैसे समझा सकता हूं? अगर हम रोमियो 8 पर जाएं, उसमें लिखा है हमारा झुकाव आत्मा के प्रति होना चाहिए। पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, उसको क्या भाता है? क्योंकि जब मैं वो करने लगूंगा जो मुझे भाता है, जो मुझे प्रसन्न करता है, मैं अपनी कर रहा हूं और मैं अपनी सुन रहा हूं, इसका मतलब मैं खुद अपना मालिक बन जाता हूं। वरन जब हमने उद्धार पाया, हमने क्या बोला प्रभु को? प्रभु, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, तू राजाओं का राजा है। हमने अपने जीवन का अधिकार, जीवन के निर्णयों का अधिकार प्रभु यीशु को दिया। तो मेरी स्वतंत्रता क्या हुई? मसीह में जो कुछ उसने मेरे लिए ठहराया है, वो सब कुछ मैं कर सकता, ना कि वो जो मुझे भाए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं, मैं अपना नहीं हूं। प्रभु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है और ले पालक उसका पुत्र आज मैं ठहराया गया हूं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि अपने शरीर को अवसर ना दे, वरन एक दूसरे का दास बने। वो क्या कह रहा है? एक दूसरे की सेवा करो, इन शरीरों से, इन हाथों से लोगों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। और आगे 14वें पद में वो कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और 15 में लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यनाश ना कर दो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पद को हम समझे कि हम पड़ोसी के समान कैसे प्रेम कर सकते हैं। यह जरूरी है हम इस कुंजी को सीखें कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। पता है, हम दूसरों को उसी माप तक प्रेम दे सकते हैं जिस माप तक हमने प्रभु का प्रेम ग्रहण किया। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पिता का धन्यवाद करते हैं और उससे कहते हैं कि अपना प्रेम प्रकट कर। हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, उन वचनों को कहते हैं जो उसने हमारे प्रति बोला है कि पिता, मैं तेरी दृष्टि में अनमोल हूं, बहुमूल्य हूं, मूल्यवान हूं, तेरी समानता और तेरी रूप में मैं बनाया गया हूं, मैं स्थिर हूं, मैं तेरे जीवन में या तेरे लिए आनंद का कारण हूं। इन बातों को बोलकर उसके प्रेम को ग्रहण करो रोजाना। और जिस माप तक आप पिता परमेश्वर का प्रेम ग्रहण कर सकते हो, उसी माप से आप दूसरों को वो प्रेम दे सकते हो।
तभी आप इस पद को पूरा कर पाओगे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते रहे। पौलुस कह रहा है चौकस रहो, एक दूसरे के सत्यानाश का कारण ना बनो वरन आशीष का कारण बनो, एक दूसरे के प्रोत्साहन का कारण बनो। तो क्यों ना हम इन पदों से आज समाप्त करें। अगर मैं कुछ कहूं जो जरूरी है, जिस पर आपकी दृष्टि रहे, वो यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपको पता है जब हम एक दूसरे से सही रूप सही मायने से प्रेम कर पाएंगे, ये सारा अलगाव, ये झगड़ा, युद्ध, ये सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।